हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बनाएंगे कुर्ती, सिंपल सी कुर्ती। और ये देखिए हमारा ब्लाउज़ का फैब्रिक थोड़ा सा बचा है, और ये 2 मीटर हमने कुर्ती के लिए फैब्रिक लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमें किनारे से कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से मिला लेना। 2 मीटर कपड़े को हम इसी तरीके से पूरा मिलाएंगे, और मैं एक ही साइड से कुर्ती निकालूंगी क्योंकि इस कपड़े में थोड़ी मार्जिन ज़्यादा है, इसलिए एक ही साइड से कुर्ती निकल जाएगी। और देखिए नीचे से फिर मैंने ये 1.5 इंच का मार्क लगाया है, जो कि नीचे से हम इसकी कली जब फोल्ड करते हैं तो दामन के लिए ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लगाया। देन इसके बाद हमने 42 इंच पे अपना लंबाई का मार्क लगाया है, और शोल्डर 7 इंच पे रखा है। आरमोल भी हम सेम लेंगे, जितना हमने शोल्डर लिया उतना ही हम आरमोल लेंगे। और इस तरीके से आरमोल से लेते हुए इस तरीके से सीधी लाइन लगाएंगे। देन इसके बाद हमने अपनी फिटिंग का साइन लगाना, तो एक निशान हमने 14 इंच पे लगाया और एक 7 इंच पे, और इनमें भी हम सीधी लाइन बना लेंगे। अब इसके बाद हमें अपनी फिटिंग का निशान लगाना है, तो जितनी भी आपकी फिटिंग हो उसका हम 4 फोल्ड करके इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो मैंने 9, 8, 9 इस तरीके से निशान लगाया है। बीच का मार्क मेरा फ्रेंड्स 9, 8 इंच का है, बाकी ऊपर नीचे दोनों 9 इंच का है। और 1.5 इंच देखिए इस तरीके से मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, और तिरछा निशान इसमें भी लगा लिया है। अब हम अपना आरमोल की गुलाई देंगे, तो वो मैंने 1.5 इंच पे दी है, और अंदर वाली फ्रंट पार्ट की गुलाई हमने 1/2 इंच पे दी है। नीचे दामन मैंने फ्रेंड्स 9.5 इंच रखा है, और इधर से भी सीधी लाइन बना ली है इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग देखिए हमें इस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड्स, जब तक हम कटिंग कर रहे हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर करें प्लीज़। तो इस तरीके से देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर लेनी है एक ही साथ। और देन इसके बाद हमें इस तरीके से हल्के से ये जो हमने फोल्ड करने के लिए मार्क लगाए हैं कली का, इस तरीके से इनमें कट लगाएंगे। अब देखिए हम अपना फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अलग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, अब इसको मैंने इस तरीके से रखते हुए हल्के से हाथ मारते हुए इसको ट्रेस कर लिया है, जिससे हमारी दूसरी साइड भी फिटिंग आ जाए। और इस तरीके से देखिए मैंने चौक से इसको लाइन बना लिया है। अब देखिए हमारा ये आर्मोल फ्रंट वाला कट करना है, तो हम अपने आर्मोल को भी कट कर लेंगे। अब हम इसके स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स कट करने के लिए देखिए हमारे पास ये फैब्रिक बचा है, और ये लेंथ मैंने इसकी 18 इंच ली है, इसी में से हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से देखिए फोल्ड जितना हमें करना है उतना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है, और इस तरीके से निशान लगा लिया है। आस्तीन की गुलाई फ्रेंड्स हमने 3.5 इंच पे लगाई है, और इस तरीके से लाइन बनाते हुए इसको कट कर लिया है। अगर फ्रेंड्स आप बिगनर्स हैं तो ये कुर्ती आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ सेम आप वैसे ही करते रहें, और देखिए बहुत ही आसानी से आप ये कुर्ती बना लेंगे। तो देखिए ये हमारी ब्लाउज़ की बची हुई पट्टी थी, और ये थोड़ा सा फैब्रिक है जो ब्लाउज से ही हमारा बचा है, तो इसका यूज़ हम इसमें करेंगे। तो देखिए ये हमारी सेंटर लाइन है, और ये पट्टी की हमने सेंटर लाइन ले ली है।
और देखिए इस तरीके से ऊपर से मिलाते हुए सेंटर में हम इसमें पिन लगा देंगे, जिससे हमारी पट्टी इधर उधर भागे ना। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं, बड़ी सिलाई थोड़ी। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये हम साइड से आधा आधा इंच पे इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें आधा आधा इंच हमें इसको फोल्ड करना है और इस पर बाद में सिलाई लगा लेनी है। देखिए अब नीचे से हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे इस तरीके से, अच्छे से फ्रेंड्स ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है आपको, जिससे आपकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आए। और इस तरीके से फोल्ड करते हैं इस पूरे पे हमें बाद में सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने सिलाई लगा दी है, अब हमने पिन को भी निकाल दिया है। इसके बाद हम अपना नेक कट करेंगे जो कि हम बोट नेक बनाएंगे। तो मैंने ये 3.5 इंच पे मार्क किया है नेक का और लेंथ मैंने इसकी 4 इंच पे लगाई है। अब इसके तरीके से हमने स्क्वायर बना लिया, उसके बाद इसमें हल्की सी गुलाई दे दी है। नेक फ्रेंड आप चाहें तो बुकरम पे भी बना सकते हैं, मैंने डायरेक्ट पाइपिंग लगा के बनाया है। तो देखिए हमारी तिरछी पट्टी है, सीधी पट्टी आपको नहीं लेनी है गले के लिए, इसलिए मैंने तिरछी पट्टी निकाली है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाई है। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है, अब इसको इस तरीके से हम फोल्ड करके ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट बनके तैयार हो गया है, अब हम इसका बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट भी हमने देखिए सेम इसी तरीके से तैयार किया है, ऊपर से देखिए इस तरीके से कपड़े को बराबर रखते हुए पहले हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे, इसके बाद अपने फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो देखिए शोल्डर हमने अटैच कर लिए और फिटिंग का निशान भी लगा लिया और पाइपिंग लगा के हमने आस्तीन भी तैयार कर लिए। तो दोनों स्लीव्स हमारी तैयार हो गई, अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे और उसको कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल कपड़े को थोड़ा खींचते हुए इस तरीके से फिटिंग लगाएंगे, जिससे हमारी स्लीव्स जो होंगी वो एकदम से परफेक्ट आएंगी। इस तरीके से देखिए हमने फिटिंग लगा ली है, अब देखिए स्लीव्स को हमें सीधा करते हुए फ्रंट वाले पार्ट से इस तरीके से रखनी है और जो सिलाई है लगी हुई इसको हम अपनी फिटिंग की सिलाई से इस तरीके से मिलाते हुए इस तरीके से गुलाई में पूरी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने दोनों स्लीव्स लगा के तैयार कर ली हैं, अब हम इसमें कलियां फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड की कलियां फोल्ड करनी है। और देखिए और फ्रेंड्स मेरी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।